रुकने असेंबली की कब्र कुशाई 23 जून को होगी। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की सरबराही पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद करेंगी। शोहरत की बुलंदियों से गुमनामी और जिल्लत की पस्तियों तक, मजहबी स्कॉलर के रूप में अवाम की बेपनाह मोहब्बत समेटने से लेकर रमजान ट्रांसमिशन और फिर एंटरटेनमेंट शोज की कामयाबी के जामिन समझे जाने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की शादियों के बाद उनके पोस्टमार्टम का मामला हर खास आम की जुबान पर है। हर दिल अजीज और हंसमुख डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की हजारों मतदाओं की मौजूदगी में अदालत की इजाजत से तदफीन के एक हफ्ते बाद ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शर्की की जानिब से पोस्टमार्टम कराने के अहकाम सामने आने के बाद आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा इकबाल ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, फैन से पूछा क्या वो कब्र कुशाई के फैसले से मुतमईन हैं, जिस पर ट्विटर सार्फीन और गमजदा खानदान के खैरख्वाह अदालती फैसले के खिलाफ नजर आए। सारिफ ने लिखा एक अदालत अल्लाह की भी है, इस मामले को मुनसिफ आला के सुपुर्द रहने दिया जाए। एक और सारिफ ने कहा कब्र से मैयत निकाल कर सबूत लेने के बजाय आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया को सजा देने का मुतालबा कर दिया। अदालत के गैर मुतवक्क हुक्म पर शोबिज हस्तियां भी परेशान नजर आईं। अदाकारा उशना शाह ने ट्वीट किया मैयत को कब्र में सुकून से रहने दिया जाए, आमिर लियाकत के बच्चों को मजीद तकलीफ से बचाया जाए। अदालती तकाजे अपनी जगह मुकदम हैं, लेकिन इस खबर ने हैरान कर दिया। एंकर पर्सन वसीम बदावी ने खबर को अफसोसनाक करार दे दिया। नामालूम शहरी की दरख्वास्त को मुतासिर खानदान की ख्वाहिश पर तरजीह देना समझ से बाहर है। पुलिस नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद ये अमल अंजाम पाया है। तो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद यानी कि अदालती इन्वॉल्वमेंट के बाद, अदालती इजाजत के बाद एक शख्स को दफनाया गया और एक शख्स जो कि पब्लिक फिगर है उसको दफनाया गया, और अब एक दूसरा ऑर्डर ये आ गया जो कि एक नामालूम शख्स की बुनियाद पर आया है। लवाहिकीन है जो बच्चे हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, लेकिन इस वक्त फौकियत या तरजीह किसकी ख्वाहिश को मिल गई? एक नामालूम शख्स को, लिटरली एक नामालूम शख्स को, एक नामालूम शहरी को जो कि अदालत ने कहा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है यानी कि कोई खूनी रिश्ता नहीं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से। अदाकारा बुशरा अंसारी ने मरहूम स्कॉलर के बच्चों पर रहम खाने की अपील कर दी, कहा पोस्टमार्टम के अमल से खानदान के अफराद को अजियत का सामना करना होगा। पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या उसके पोस्टमार्टम की नई नई बातें सुन रही है, तो किसी आम शहरी ने अपना इस वक्त शोहरत हासिल करने का दिल चाह होगा उनका, जो भी उनका नाम है मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने पिटीशन फाइल किया कि अब उनकी कब्र को उधेड़ा जाए और चेक किया जाए कि क्या हो रहा है। एक तो पहली बात है कि आमिर लियाकत को कोई कत्ल क्यों करेगा, वो तो रोज मर रहे थे, सब मिलके मार रहे थे, हम सब मार रहे थे, तो वो तो मर ही जाना था उन्होंने खुदा के वास्ते। इस पर नजर सानी करें और ये पोस्टमार्टम वाली ऑर्डर्स को प्लीज वापस लें। अब आमिर लियाकत चले गए हैं, उनको बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए। आपको बताएं कि मुकामी अदालत ने मारूफ मेजबान के पोस्टमार्टम से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत एक आम शहरी की दरख्वास्त पर की, जिसने शक जाहिर किया था कि उसे शक है कि डॉक्टर आमिर लियाकत को जायदाद के तनाजे पर कत्ल किया गया, जिसके बाद दौरान समाअत अदालत ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म सुनाया था। आमिर लियाकत 10 जून को अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।